नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड की खनिज सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया है। सिंघल की गिरफ्तारी से पहले दिन में 7 घंटे की पूछताछ की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने उससे एक दिन पहले भी 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। मामले के सिलसिले में सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर ईडी की छापेमारी के बाद सिंघल जाँच के घेरे में आ गए। गृह मंत्रालय द्वारा एनजीओ पर कार्रवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एनजीओ बिचौलियों और संघ के खिलाफ 40 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 3.21 करोड़ रुपए बरामद किए गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कथित तौर पर विदेशी चंदा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में आदर्श की भीषण हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए भगवा पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर राज्य में कांग्रेस सरकार की अक्षमता पर प्रकाश डाला। भारत की स्टार बॉक्सर एमसी मैरीकॉम इस साल जुलाई में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में जुट गई हैं। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरीकॉम का पूरा फोकस बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स पर है। इसके लिए वो जमकर पसीना बहा रही हैं। एमसी मैरीकॉम ने सोशल मीडिया ऐप को पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने मध्य प्रदेश के समकक्ष शिवराज सिंह चौहान के साथ ओबीसी कोटा बहाल करने के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों को 2 सप्ताह के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।